Hello guys, welcome back to another vlog. So this is my room where I'm staying, and this is Lal Bahadur Shastri National Academy guest house. So right now I'm at JNU campus, New Delhi. To tell you, I have been invited to give a talk on community libraries, और जिन लोगों के सामने मैं इंटरेक्ट करने वाली, टॉक करने वाली हूँ, इतने सारे ऑफिसर्स के सामने बात करना, आई एम वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट. एंड एक नर्वसनेस का ये भी रीज़न है कि मैं अपने लाइब्रेरी मूवमेंट पूरे अरुणाचल, ईस्टर्न अरुणाचल, बेम्बूसा लाइब्रेरी, अंकल मूसा, सारे वॉलेंटियर्स को रिप्रेजेंट करने आई हूँ. सो एक बोझ सा भी फील हो रहा है कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे इन छोटे छोटे कंधों पर, बट आई गिव बेस्ट. आपको बता दूँ, हमारे इस लाइब्रेरी मूवमेंट को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया. उनमें से एक है हमारे प्रशांत लोखंडे सर जी, जो हमारे फाउंडर पेट्रन भी है. इनिशियल फेज से लेकर अभी तक के जर्नी में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, एंड ही इज़ अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन. वो बहुत ही अच्छे इंसान है. एंड टू टेल यू, ही वॉज द फॉर्मर DC ऑफ लोहित. उन्होंने लोहित के लिए बहुत कुछ किया है. एंड आपको ये भी बता दूँ कि उनकी दो बेटियाँ हैं, एंड जो पहली बेटी जो तेजू में जन्म हुई थी, उन्होंने उनका नाम मिशमी रखा है. सो शी इज मिस मिशमी लोखंडे. सो नाइस ना कि कोई बाहर का इंसान आकर हमारे कम्युनिटी को इतना प्यार करे, अपने बेटी को भी हमारे कम्युनिटी का नाम दे, तो सोचे वो हमारे कम्युनिटी को कितना प्यार करता है, कितना सोचता है. एंड सोचता भी है, एक्शंस के थ्रू भी दिखता है. उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लाइब्रेरी मूवमेंट को सपोर्ट करने के, तो यस, उनको मिलना तो बनता है. सो फीलिंग हंग्री नाउ, चलिए चलिए चलिए, वो खाना ठंडा पड़ जाए खा लेते हैं, देन थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेडी करते हैं और सर को मिल जाते हैं. हाँ, मैं बचपन में एक बार आई थी दिल्ली, जब मैं 5वीं कक्षा में थी. अब 16 साल के बाद वापस आ रही हूँ. तो बहुत समय गुजर गया. हाँ, बहुत ज्यादा समय गुजर. यहाँ आई थी मैं, बट बहुत दूर से देखा था, सामने से आ रही हूँ. अभी हम इंडिया गेट आए देखने के लिए, अभी आई वीडियो में. सो इंडिया गेट उस पार है, हमें जाने के लिए यहाँ अंडरग्राउंड से होके जाना पड़ेगा. वो पैसेज यहाँ से जाएंगे, एंड देन विल रीच इंडिया गेट उस पार. चलिए, तो यहाँ एक कोई व्हीलर है शायद, डांस कर रहा है. एटलीस्ट इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो ये पब्लिक को डांस करने का, मेरे अंदर नहीं है. गुड मॉर्निंग. तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मुझे रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है मसूरी की ओर. बाय बाय रूम. मैं पहुंच गई मसूरी में, एंड लबासना का जो कैंपस, इट्स सो ब्यूटीफुल. मैं कोशिश करूंगी आपको नज़ारा दिखाने के लिए. वैसे तो मैं डायरेक्ट गेस्ट हाउस में आ गई, आई एम स्टेइंग एट कालिंदी गेस्ट हाउस. वो दरवाज़ा है, दरवाजे में ही शीशा लगा है. एंड लेट मी शो यू द रूम. जस्ट सी, द रूम इज सो प्रीटी, सो कोजी. लेट मी शो द व्यू. ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है. मुझे कुछ दिखा, आपको दिखा दो. कैन यू सी दैट मंकीज? अन्ना बच्चा है. सो इस कबर्ड के अंदर देखते हैं. ओ, चप्पल. गुड. हाय. ओ, खुला है. मेरे पास धन संपत्ति नहीं, वरना मैं ये रखती.
ये मेरे कोई काम का नहीं, जिनके पास है उनके लिए ये ठीक है। सो चले इस चप्पल का इनॉग्रेशन करते हैं। पुराना चप्पल साइड साइड। यहाँ मसूरी में सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, तो बहुत फोगी था रास्ता, तो रास्ते में मुझे बहुत ठंड लगी। सो आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग हॉट, सो टडा मैंने ये देख लिया। सो पीने के लिए रखा है तो बनाते हैं। सो बने रहे मेरे साथ। जिस रिसीप्ट को जो सर मेरे साथ टच में थे वो नीचे रुको है, तो वो जाना पड़ेगा। आकर पीते हैं, ठीक है, टाइम नहीं अभी, अलकम लेटर। सो अभी बाहर जाते हैं, सर को मिलकर आते हैं, तो मैं वो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। आ गई अपने रूम वापस। तो अभी रात के 9:30 बज रहे, मैं जस्ट डिनर करके आई, तो डिनर करते वक्त मुझे ये ऑफिशियल फाइल दिया गया। दिस इज़ व्हाट आई गॉट, अ लेटर और प्रोग्राम के सारे डिटेल्स। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द फॉर्म जो मुझे दिया गया है। सो मुझे यहाँ पे एक लिस्ट मिला, द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट। तो यहाँ देखो तो ज़्यादा नहीं है, 36 ऑफिसर्स लोग के सामने बोला है, लेकिन फिर भी डर तो लग रहा है। 36 ऑफिसर के सामने बोला, और ये जितने भी ऑफिसर्स है दे आर ऑलमोस्ट सभी, मतलब नॉर्थ ईस्ट सर्कल के ही सभी, नॉर्थ ईस्ट में या तो नॉर्थ ईस्ट के वाले ही हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में जिन्हें प्लेस्ड किया गया। तो मैंने यहाँ देखा तो बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के भी है, ईटानगर साइड से बहुत सारे हैं, पापुम पारे से है, देन दिबांग वैली से भी है। तो अपने ही लोगों के सामने शायद तुम बोलना मुझे तो अच्छा लग रहा था, अभी था आई एम फीलिंग लिटिल ओके नाउ, स्टिल आई नीड टू डू बेटर। एंड कल मेरा जो प्रोग्राम है वो इंदिरा भवन कलाम हॉल में होने वाला है। सो आई एम गेटिंग लिटिल डाउट, शायद इस कैंपस के अंदर नहीं, शायद मुझे कहीं और जाना होगा। सो आपको कैंपस कैसे दिखा? तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार बहुत सुबह उठना होगा आपको कैंपस दिखाने के लिए। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उठने के लिए एंड आपको कैंपस दिखाऊँ। बार बार ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, ना मुझे ना आपको। सो मौका का फुल लाभ उठाते हैं ना। सो अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करूँगी, देन एक गुड नाइट स्लीप होगा, सवेरे मिलते हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं तैयार हूँ, नहा धोकर फ्रेश हो गई। सो अभी नीचे चलते हैं, इन थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं, शायद बाद में मौका ना मिले, क्योंकि मैं प्रोग्राम के बाद लंच करने बाद शायद जल्दी निकल जाऊँ, तो ये अभी मेरा लास्ट मौका है। सो चलिए आपको लबासना मसूरी की सैर कराती हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जा सकती हूँ, एंड नो वन इज़ हियर टू गाइड मी, मैं अकेले टहलने वाली हूँ, लेट्स सी। लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मैंने कल देखा था बट मैं वीडियो नहीं कर पाई। सो अभी करूँगी, चलिए। एंड देट इज़ कालंदी गेस्ट हाउस, जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ। कम चला गया, आई कम कम, मैं चोर नहीं हूँ। तो ये भी मुझे छोड़कर चला गया, वेरी सैड लाइफ। आई एम बैक इन माई रूम। सो अभी जो आपने नज़ारे देखे वो बस थोड़ा सा हिस्सा था, सॉरी दैट आई कुडंट शो यू ऑल द कैंपस, मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पे तो सा इतना बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, नो क्या था, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जोन ऐसा कुछ लिखा हुआ, जहाँ पे इसके पार में नहीं ले सकती थी शायद, इतना बड़ा पढ़ के भी फिर अनदेखा करना, इट्स नॉट गुड राइट। बाद में किसी ने अगर मुझे डांट दिया तो बेखामखा खुद की बेइज्जती होगी। एंड उससे जब मैंने वो देखा तो मैंने एक इंसान से पूछा वहाँ पे कि कैन आई जस्ट टेक वीडियोज़ एंड पिक्चर्स, तो उस इंसान ने
कहा कि मैडम आप ऐसा टहल सकते हैं बट शायद फोटोज एंड वीडियोज आप नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई, सो सॉरी। हाँ, एक रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन किया जाता है ना, सो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन कैंपस, तो बनता है कैंपस में रेस्ट्रिक्शन तो होना ही चाहिए, तो नो डाउट अबाउट दैट। स्टिल एटलीस्ट यू आर एबल टू सी द फ्रंट व्यू जो मैंने आपको दिखाया, एंड जो बाकी का व्यू है जो मैंने एंजॉय किया आपके तरफ से भी मैंने एंजॉय किया, हाँ डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल और मुझे बताया गया कि मेरा सेशन इस कैंपस में नहीं है, इंदिरा भवन में, एंड इंदिरा भवन दूसरे कैंपस में। सो आई थिंक लबासना का बस यही एक कैंपस नहीं है, बहुत सारे कैंपसेस हैं, तो उनमें से एक है इंदिरा भवन। सो स्टे ट्यून और वहाँ का नज़ारा भी देख लेते। अभी मेरे पास कुछ ही मिनट बाकी है और बाय 11:30 दे विल सेंड द गाड़ी, सो लेट्स गेट रेडी इंस्टेंटली। आई एम रेडी। सो मैं बहुत जल्दी में, ड्राइवर कब का आ चुका है, गाड़ी आ चुकी है, मुझे निकलना होगा। बाय बाय, मिलते हो प्रोग्राम में। In fact, reading is only one of the means to learning. For the time immemorial, this has been the case. So, मैं आ गई अपने प्रोग्राम से and it was fantastic. I mean, मुझे लगा मैंने अच्छा किया। हाँ, एक दो बार थोड़ा नर्वस होके हकलाई थी, स्टटर किया, वर्ड्स क्लियर नहीं थे, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने अपना बेस्ट दिया। सो इट वॉज नाइस। एंड प्रोग्राम के दो आई रियली वॉन्टेड टू रिकॉर्ड व्हाइल आई स्पीक, बट वहाँ कोई नहीं था जो मेरे रिकॉर्ड कर पाए। सो बट ऑफिशियली वो फोटोग्राफ्स ले रहे थे, वीडियोज़ भी ले रहे थे, वो बोल रहे थे हमें देंगे, बट पता नहीं कब देंगे। अगर मिलता है, इफ़ आई गेट अ फुल वीडियो, तो मैं उसको सेपरेटली अपलोड करती हूँ। अगर नहीं मिलता है तो नहीं, एक दो ग्लिम्स मैंने लिया था, बस उसको दिखा देती हूँ। एंड टडा, ये मुझे मेमेंटो मिला है लबासना की ओर से, एंड ये भी एक मिला है। एंड मैं आपको बता दूँ, मेरे जितने भी जो मेरे सेशन में अटेंडेंस थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, मेजोरिटी ऑफ देम वेयर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे थे। उसके बाद में बेसिकली ये प्रोग्राम जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स का था, और टोटल 36 पार्टिसिपेंट्स थे, सभी आए और सभी बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी इंटरेक्टिव, और उन्होंने सवाल भी किया, लकीली आई कुड आंसर देम, एंड बहुत लोगों ने हम इंटरेक्ट किया। सीइंग अस एंड द लाइब्रेरी मूवमेंट, दे गॉट वेरी इंस्पायर्ड एंड वो चाहते कि ऐसा प्रोग्राम वो भी अपनी जगह करें। तो बहुत लोगों ने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, वो बोल रहे थे कि हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, एंड बहुत सारे हमें वेल विशर्स मिले जो डोनेट करना चाहते हैं हमारे रीडर्स को न्यू बुक्स। सो यस, इन कमिंग फ्यू डेज और मे बी मंथ्स वी माइट गेट न्यू बुक्स अगेन। सो यस, इसको अभी अनबॉक्स करते, इसमें है क्या। आई नो आपको भी देखना है, मुझे भी देखना है इसमें इसमें है क्या। पर इसमें लबासना 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 लिखा हुआ है। मुझे यहाँ का यूनिफॉर्म मिला जो आईएएस ऑफिसर्स को मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान। नाउ आई एम फीलिंग लाइक एन आईएएस ऑफिसर, ऐसा लग रहा है कि मैं भी ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा था जो न्यूली रिक्रूटेड जो ऑफिसर थे उनको यूनिफॉर्म दिया गया था, एक आई मीन ट्रेक। सी लबासना, ये यही यूनिफॉर्म है जो ट्रैक है जो आईएएस ऑफिसर तो पहन रहे थे। सो भले ही मैं ऑफिशियली आईएएस ऑफिसर ना हूँ, बट आई कैन फील इट फॉर फ्यू मिनट्स राइट। जब मैंने एंटर किया था कैंपस, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने ये लबासना पहना हुआ था, जो ट्रेनिस आई मीन अपकमिंग फ्यूचर ऑफिसर्स आते हैं उनको ये यूनिफॉर्म ट्रैक दिया जाता है। सो इवन आई एम फीलिंग लाइक एन आईएएस ऑफिसर। नती आईएएस ऑफिसर को हेलो, आई मीन मैं खुद को बोल रही हूँ, मैं आज नहीं जा रही, मेरा कल का ट्रेन है। सो मैं कल यहाँ देहरादून से दिल्ली की ओर जा रही हूँ, फिर दिल्ली एक दिन स्टे करूँगी, फिर 21 को वापस जाऊँगी। गुड मॉर्निंग, एंड टुडे इज़ माई लास्ट डेट लबासना। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, उसके बाद पे अभिराम जी सर से मिलेंगे, इधर डिप्यूटी डायरेक्टर जो हमें जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दिया ना यहाँ आकर टॉक करने का, तो उनसे मिलना है। उसके बाद उनसे मिलने के बाद थोड़ी देर रुकूँगी, एंड आई हेड टूवर्ड्स
देहरादून रेलवे स्टेशन, और मसूरी से देहरादून ऑलमोस्ट लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। अंकल ने कहा था कि यहाँ एकेडमिक का लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर है, तो एक बार जाना। The library is so pretty, यार। I don't have time, वरना मैं एक तो किताब पढ़ती। सो फाइनली अब इस रूम को लवासना को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। और यस, बिफोर लिविंग मसूरी मैं आपको पता ही है मैं होम स्टे प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, तो हमारे 6 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2 दार्जिलिंग में है, 2 मनाली में और 2 मसूरी में है। तो यहाँ तक आई हूँ तो उनको मिलकर जाना अच्छा रहेगा, राइट? सो आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग देम, एक क्विक मीटिंग होगा, एक बार उनको देख लेती हूँ, मिल लेती हूँ, थोड़ा हालचाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट स्टेशन के लिए निकलूँगी, फिर बैक टू दिल्ली। वही छीनते हैं लोग, रास्ता बहुत छोटा है ना यहाँ का। और आपके वहाँ मैडम? सेम पहाड़ी है। ठंडा लग रहा है। बाय 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 बाय, ठीक है। गांधी चौक इधर ही निकला, गांधी चौक इधर ही। माय किड्स।